मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य है तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं दो विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। दो विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। आज आपने एक के बाद एक भूल की है। पहली भूल जब आपने अपना तप भंग किया, दूसरी भूल जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया, तीसरी भूल जिन प्रभु परम कृष्ण के प्रति आप तन मन धन से समर्पित होने की बात कहती हैं, उन्हें भूलकर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव दे दिया, और चौथी भूल मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले बालक को दो दो विवाह करने का श्राप दे दिया। बालक, प्रभु श्री कृष्ण प्रेम भले ही सच्चा हो, किंतु आपके मन की चंचलता एक विकार का रूप लेकर आपके प्रभु प्रेम पर हावी हो गई देवी। अन्यथा आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाती और आपको मेरा वास्तविक रूप दिखाई देता, वो नहीं जो आप देखना चाहती थी, और आप मुझे देखते ही पहचान जाती कि मैं कौन हूँ। प्रभु, प्रभु श्री गणेश, किंतु आप मुझे पहचानने में असमर्थ रही और ऐसा कर आपने अपने आसुरी स्वभाव का प्रमाण दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा। मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं अपितु एक असुर से होगा। असुर से होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम धूलोक पर मानव रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। चंचल स्वभाव की अधिकता भ्रमित कर देती है, लक्ष्य से भटकने पर विवश कर देती है। तब तो मन को बहुत स्थिर रखना होगा पुत्र, अन्यथा तुम इस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भूल हुई मुझसे, बहुत बड़ी भूल, मेरी चंचलता के कारण ये क्या कर बैठी मैं। मुझे क्षमा कीजिए गजानन, मैं तो समझी थी, मेरे मन में मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण का वास, मेरे मन मंदिर में उन्हीं की छवि है, किंतु मेरी चंचलता के कारण मेरा मन मंदिर दूषित हो गया, और ये सब मेरा दोष है, मेरा ही दोष है प्रभु। अब आपसे श्रापित हूँ, मैं प्रभु श्री परम कृष्ण के साथ से वंचित हो जाऊंगी, तो मेरे जीवन का क्या लाभ प्रभु। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे कोई और धन दे दीजिए, मैं सह लूंगी,
किंतु ये श्राप लौटा लीजिए आप। देवी, ना आपका श्राप लौट सकता है ना मेरा, इसलिए इस जन्म में तो आपकी यही नियति है कि आपका विवाह उसी से होगा जिसने असुर कुल में जन्म लिया होगा। नहीं प्रभु, किसी अन्य से विवाह उसकी तो कल्पना मात्र असंख्य मृत्यु के समान है। दंड स्वरूप मैं आपको अपने जीवन की एक एक श्वास न्योछावर करती हूँ। हे परम कृपालु पार्वती नंदन गणेश, फूल स्वीकारने पर तो आप असुरों पर भी कृपा करते हैं, तो अब मुझ पर भी कृपा कीजिए प्रभु। आप तो क्षमा कर्म है, क्षमा सागर, क्षमा के धाम है, तो मुझे भी क्षमा दान दे प्रभु। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर प्रदान करें प्रभु। मैं तो बस प्रभु श्री परम कृष्ण की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। उसके लिए उसे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े। वक्रतुंडे गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। ओम वक्रतुंडे गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। वक्रतुंडे गणपते वर वरद सर्व जन्म में वशमाने नमः। देवी, अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से की गई क्षमा याचना और अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति आपकी अटूट स्नेह और उनकी पत्नी बनने की आपकी प्रबल आस से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, किंतु तब भी अपने शाप को रोकना मेरे लिए संभव नहीं। गणेश, आपको एक नवीन कथा का भाग बनना होगा, जिसके लिए आपको परिवार से दूर वन में माँ गंगा के तट पर तप करना होगा। हाँ, एक वरदान मैं आपको अवश्य दे सकता हूँ। शीघ्र आपका जन्म एक दिव्य पौधे के रूप में होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा, जिसका नाम भी तुलसी ही होगा। प्रभु की कोई लीला अकारण नहीं होती। मैं समझ गया प्रभु, आपकी इस लीला के पीछे जगत कल्याण का बड़ा उद्देश्य है। और उस पौधे के रूप में आपका जिस घर में वास होगा वहां आपकी पूजा होगी, किंतु बस मेरी पूजा में ही तुलसी पौधे का निषेध होगा। वो पौधा जो सकारात्मक ऊर्जा, शुभता और औषधीय गुणों से परिपूर्ण होगा, जो भी सूचिका जैसी महामारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति देगा और प्राणियों की देह में प्राण वायु का संचार करेगा। और उस दिव्य पौधे के रूप में आप पर आपके प्रभु, आपके आराध्य की कृपा भी होगी। देवी तुलसी, आप इस दिव्य पौधे के रूप में प्रभु श्री कृष्ण के शालिग्राम रूप की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रभु गणेश जी, आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु सर्वप्रथम श्राप के प्रभाव वश आपको एक असुर की पत्नी बन पूर्ण श्रद्धा से पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा, और इसके भी पूर्व अपनी भूल को सुधारने के लिए आपको अपने अपूर्ण तप को संपन्न करना होगा, और वो तभी पूर्ण होगा जब कोई आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा, जिस प्रकार आप मेरे पास आई थी। मैं समझ गई प्रभु,
तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस जन्म में तो नहीं किंतु अगले जन्म में मैं प्रभु श्री परम कृष्ण को पाने के लिए अपनी तपस्या कर सकूं। कल्याण हो, आपका तप सफल हो। धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता गणेश का आशीष व्यर्थ नहीं जाएगा। हे श्री गणेश, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी तपस्या से मेरे पूर्ण अवतार का मार्ग ही नहीं खुला, अपितु जगत को पवित्र तुलसी पौधा पाने का मार्ग भी मिल गया। और आपने अपनी साधना से मेरे अंश शालीग्राम के आविर्भाव का उपाय भी कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपका कृतज्ञ भी। प्रभु श्री परम कृष्ण, किंतु मैं तो उलझन में पड़ गया ना। मुझे तो दो विवाह का श्राप मिला है। तप का फल तो मिलना ही था, और कदाचित जो श्राप आपको मिला है वो भविष्य में सभी का वरदान बनेगा। हाँ प्रभु, किंतु भविष्य तो तभी अच्छा होगा जब हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाएंगे। इसलिए मुझे वर्तमान को देखना है, और वर्तमान में संपूर्ण कैलाश मेरे विवाह की चर्चाओं से गूंज रहा होगा। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गणेश का विवाह भले उसे मिले श्राप के कारण नियत हुआ हो, किंतु एक बात तो तय है, अब वो अपने विवाह को नकार नहीं सकता। और जहाँ तक बात है श्राप की, ये सभी श्राप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी के लिए शुभता का कारण ही बनेंगे। और देवी तुलसी को दिए गए गणेश के आशीर्वाद के कारण शीघ्र हर घर आंगन में तुलसी का पौधा लहलाएगा, जो शुभता और स्वास्थ्य का प्रतीक बन प्रत्येक गृह को निरोग करेगा। इसीलिए देवी तुलसी ने जिस मंत्र का पाठ कर प्रथम पूज्य गणेश का वरदान प्राप्त किया, जिस मंत्र के उच्चारण से उन्होंने कृष्ण पत्नी बनने का आशीष पाया, जो भी भक्त गणेश के उस अद्भुत मंत्र का सच्ची आस्था से उच्चारण करेगा, उसके विवाह में आने वाले सभी विघ्न टल जाएंगे। हे विघ्नहर्ता, आपके तो स्मरण मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे इस तप को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद दीजिए। ओम गं गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। नारायण नारायण। प्रभु, जब देवी तुलसी ने अपने तप के पूर्व ही विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण कर ही लिया है, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि उनके तप में कोई बाधा आएगी। सफल होगा अवश्य। देखिए ना, कितने निर्विघ्न रूप से वो अपना तप कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। जिस चंचलता के कारण इनके तप में बाधा आई थी, वो चंचलता अब बाधा नहीं है। आपको पूर्ण विश्वास है ना देवर्षि? प्रभु परम कृष्ण ने अपनी बांसुरी अधरों से लगाई है। आओ सखी आओ, प्रभु बांसुरी वादन करने वाले हैं।
छोड़ो सब काम और चलो मुरली धर के मुरली की धुन में खोने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण नमो नमः। बांसुरी वादन करने वाले हैं, चलो चलो विलंब मत करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। चलो चलो शीघ्रता करें। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण, देवी तुलसी की ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? नमो भगवते वासुदेवाय। देवी तुलसी का ध्यान फिर से भंग तो नहीं हो जाएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मयूर जी के आगमन के स्वर से भी उनका ध्यान नहीं टूटा। वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय नमो नमः। मेरा विश्वास उचित ही था, इस बार देवी तुलसी का ध्यान कदापि भंग नहीं होगा। प्रभु, आप ही से सीखा है कि जब कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो उसकी एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता। देखिए, आपकी मुरली की तान भी इनके तप को भंग नहीं कर पाई। सच सच, मैं चिंता कर रहा था देवश्री। देवी तुलसी और उनके तप को तो विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीष प्राप्त, तो अब उनके तप की चिंता तो दूर हुई, किंतु देवताओं को एक दूसरी चिंता अवश्य करनी चाहिए। सुदामा अर्थात शंखचूड़ की तपस्या। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 इसके तप का प्रभाव तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे इसका तप अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इसकी तपस्या कहीं हमारी दुविधा का कारण न बन जाए। वरदान प्राप्त कर कहीं ये हमारे लिए संकट रूपी विघ्न उत्पन्न कर दे, इसलिए इसके पूर्व के इसका तप संपन्न हो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के पास जाकर सहायता की गुहार लगानी होगी। अब उचित करें देवराज। माँ, समाचार शुभ हो तो आनंद कितना बढ़ जाता है ना? हाँ माँ, अब तो आपका आनंद अपने चरम पर होगा। आपको दो दो पुत्र वधुओं का सुख जो प्राप्त होगा। तब तो हमें सभी प्रबंध आरंभ कर देने चाहिए। माता, आप ही समझाइए ना भाभी माओं को, एक बालक का भी कहीं विवाह होता है। मेरे विवाह में अभी बहुत समय है। उचित कह रहा है मेरा पुत्र। अब पुत्र गणेश के विवाह की बात कोई नहीं छेड़ेगा। किंतु पुत्र, भाभियों को इतना अधिकार तो है कि वो तुम्हारे विवाह के लिए सुयोग कन्या तो ढूंढना आरंभ कर ही सकती हैं। और जब कन्याएं मिल जाएंगी तभी विवाह होगा। माता, अब आप भी उनकी ओर से ही बोल रही हैं। तो लगता है विघ्नहर्ता स्वयं विघ्न में उलझ गए। विघ्न तो हम देवताओं पर आने वाला है। बहुत भारी संकट सामने। देवराज का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, ऐसा क्या विघ्न आने वाला है
जिसकी चिंता आपको यहाँ तक खींच लाई। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। शंखचूर्ण प्रभु ब्रह्मदेव की कड़ी तपस्या कर रहा है, जिससे वो उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सके। उसे उसके तप की शक्ति और भी शक्तिशाली बना देगी। उसके पश्चात हमें उसका वर्चस्व स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। उसका वध करना तो दूर, हम उसे पराजित भी नहीं कर सकते। इस शंखचूर्ण नामक विघ्न को आप ही टाल सकते हैं। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी सहायता कीजिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। जो अपने तप को पूर्ण एकाग्रता, निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं, उन्हें उनके तप के फल से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शंखचूर्ण को भी अपने तप का फल अवश्य मिलेगा। हाँ देवराज, तप के फल का अधिकार पाने से तो मैं भी शंखचूर्ण को नहीं रोक सकता। और अब तो सोच विचार का भी समय नहीं, क्योंकि अब उसका तप चरम पर पहुंचकर संपन्न होने वाला है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। 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 ब्रह्म लोक पर ये कैसा संकट छाया है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। नहीं, संकट नहीं, ये तो मेरे भक्त के तप का प्रभाव है। जो अति सुंदर है, सर्वथा अद्भुत है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। आंखें खोलो पुत्र शंखचूर्ण। प्रणाम प्रभु ब्रह्मदेव। पुत्र शंखचूर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, जो कुछ भी तुम मांगना चाहते हो मांगो। शंखचूर्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु ब्रह्मदेव। आज आपके दर्शन पाकर आपका ये भक्त धन्य हो गया। मैं तो बस अपने पिता की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ, और वो मुझे त्रिलोक विजेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए 3 वरदान मांग लो। तो हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे मेरा पहला वरदान दीजिए कि मैं अगले 2 जो भी वरदान मांगू वो आपके और मेरे सिवाय कोई और ना सुन सके, और मेरे इन वरदानों को आप किसी और के आगे प्रकट नहीं करेंगे, सदा गुप्त रखेंगे। तथास्तु। यदि इसके वरदान गुप्त रहेंगे तो हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि इसने अपने दूसरे और तीसरे वरदान में ब्रह्मदेव से मांगा क्या है। प्रभु, मुझे मेरा दूसरा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के विरुद्ध अजय हो जाऊं, कोई भी देवता मुझे कभी भी परास्त ना कर सके और ना ही कोई हानि पहुंचा सके। तथास्तु। मैं तुम्हें कृष्ण कवच प्रदान करता हूं, जो सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। उसे स्वयं नारायण भी नहीं भेद सकते, और यदि संयोग से वो कभी तुम्हारे पास से खो जाता है तो भी मैं और नारायण तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि तुम हमारे परम भक्त हो। किंतु यदि महादेव स्वयं तुमसे युद्ध करने आ गए तो फिर कदाचित उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी।
आपने मुझे तीन वरदान देने का वचन दिया है ब्रह्मदेव, और अभी तीसरा वरदान शेष है। हाँ पुत्र, मांगो। तीसरे वरदान में तुम क्या चाहते हो? अमृतत्व। ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृतत्व प्रदान करें। भविष्य ब्रह्मदेव से ऐसा क्या मांग लिया? इसे सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव स्तब्ध हो गए। उसने अवश्य कुछ ऐसा मांगा है देवराज, जो ब्रह्मदेव के लिए भी प्रदान करना असंभव है। पुत्र शंखचूर, ये असंभव है। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और मांग लो। प्रभु, व्यक्ति वही मांगता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, और आप ही ने कहा है कि मेरी मृत्यु मात्र महादेव के हाथों ही संभव है। उसके अनुसार जो मेरे लिए आवश्यक है वही मांग रहा हूँ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। जीवन और मृत्यु सृष्टि का नियम है, इसे मैं बदल नहीं सकता। ये वरदान देना मेरे लिए असंभव है। ये नियम और धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध तो आपके द्वारा आपके वचनों से पलटना भी है प्रभु। आपने मुझे तीन वरदान देने का वचन दिया है, और उसे पूरा करना आपका धर्म है। प्रभु, मुझे तो बस अमृतत्व चाहिए। यदि वो दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा आप अपने वचन को भंग कर दीजिए। अपने वचन को भंग कर दीजिए। प्रत्यक्ष रूप से अमृतत्व देना तो मेरे लिए असंभव है पुत्र, किंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक पतिव्रता नारी से होगा, और जिस दिन तुम्हारा विवाह उससे होगा, मेरे दूसरे वरदान के अनुसार उसी दिन तुम्हें कृष्ण कवच प्राप्त होगा। पुत्र, जब तक कृष्ण कवच तुम्हारे पास रहेगा, तुम अजय बने रहोगे, और मेरे तीसरे वरदान के अनुसार जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार तुम अमर ही बने रहोगे। पुत्र, तुम्हारे तीनों वरदान तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए अब तुम कुछ नहीं मांग सकते। हे गजानन, ब्रह्मदेव ने ससुर को ऐसा कौन सा वरदान दिया होगा? आप निश्चिंत रहिए देवराज इंद्र, वरदान कोई भी हो उसका लाभ तभी होगा जब कर्म अच्छे होंगे, क्योंकि कर्म अच्छे हो तो श्राप भी वरदान बन जाते हैं, और कर्म अच्छे ना हो तो वरदान भी श्राप में बदल कर काल को ही निमंत्रण देते हैं, मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कर्म अच्छे होंगे तो पतिव्रता स्त्री कभी कुछ अनुचित नहीं करेगी, अर्थात वो ही मेरा कवच बनेगी और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचने देगी। देवताओं, मैं शंखचूड़ अजय हो गया, अमर हो गया, और अब तुम सब मेरे प्रहारों से बचने के लिए कवच का निर्माण कर लो, अन्यथा मेरा कवच तो सदा मेरे साथ रहेगा, सदा ही रहेगा। किंतु ब्रह्मदेव तो अपना कार्य अधूरा ही छोड़कर चले गए। उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरा विवाह एक पतिव्रता स्त्री से होगा, किंतु उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो स्त्री मिलेगी कहाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। Thank you.
कदाचित तुलसी पौधे के आविर्भाव का। दूसरा चरण संपन्न होने का समय आ गया। तो अब प्रभु घटनाओं का क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। मन को एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के साथ जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में संलग्न हो जाता है तब सफलता अवश्य प्राप्त करता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।